धनबाद कोलियांचल में अवैध कोयला कारोबार रह रहकर फलता फूलता रहता है। बागमारा पुलिस अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी छुपे तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यह कारोबार लगातार जारी है। रामकनाली ओपी अंतर्गत कांटा पहाड़ी कोयला खदान के समीप हो रहे अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। विशेषल एरिया 04 के CISF इंस्पेक्टर आदर्श कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर रामकनाली ओपी पुलिस के संयुक्त छापेमारी में लगभग 10 टन कोयला जब्त किया गया। हालांकि अब भी कई क्षेत्रों में यह अवैध कोयला कारोबार चल रहा है। छापेमारी के संबंध में जानकारी देते हुए रामकनाली ओपी प्रभारी जुबेल गुड़िया ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि आसपास के कोयला खदानों में अवैध तरीके से कोयला निकालकर जमा किया जा रहा है और बोरियों में भरकर यहां से साइकिल के माध्यम से तस्करी की जा रही थी, जिसके आधार पर CISF और स्थानीय थाना की संयुक्त छापेमारी कर कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयले को स्थानीय कोलियरी प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि कोयले की तस्करी पर नकेल कसने के लिए यह छापेमारी अभियान जारी रहेगा। गुप्त सूचना मिला था कि कांटा पहाड़ी में अवैध कोयला जमा करके रखा हुआ है, इसमें CISF के साथ सामूहिक रूप से छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान लगभग 10 टन कोयला जब्त किया गया है। इसको किसी सेल को जमा किया जा रहा है। फिर नीचे कांटा पहाड़ी जो माइंस है, उन राणा कंपनी का है, अम्बे माइंस कंपनी, उसी से उठाया जा रहा है। आगे भी छापामारी जारी रहेगी।